जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो करो किरण कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। हाँ, क्यों हर वक्त किरण के पीछे पड़ी रहती है, आ जाएगी। ए भाई बहुत देर हो गई है, पता करो। आ जाएगी। हलीमा मुमानी जान, आप भी छत पर हैं, बुला कर लाती हूँ। अरे जल्दी बुला ले भाई, भूख लगी है। आपी? हाँ क्या हुआ? आप ये सब छोड़े, जाकर ना बीजान को संभाले। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, उनका पारा हाई होता जा रहा है। बीजान का पारा हाई तो होना ही है भाई, है कहाँ वो अब तक? कॉलेज का प्रैक्टिकल है, 4 बजे तक पहुंच जाएगी, आप फिक्र ना करें। उजाला सच बताओ कहाँ है? बता तो रही हूँ, कॉलेज का प्रैक्टिकल है। उजाला किरण कोई साइंस की स्टूडेंट नहीं है जो वो प्रैक्टिकल के लिए गई है, इसलिए बताओ कहाँ गई है, सच सच बताओ। पता नहीं कहाँ है। देखा तुमने, पहले भी बख्तियार इस लड़की को किसी अमीर जादे के साथ गाड़ी में देख चुके हैं, और अब भी किसी अमीर जादे को फंसाने गई होगी। ये सब बोले मुमानी जान ने सुन लिया तो अच्छी बात है ना, सुन ले। उन्होंने उसका दिमाग खराब कर रखा है, सर पे चढ़ा रखा है उसे। आप ये क्या बात कर रहे हैं, कोई माँ जानबूझ कर अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगी? तो मुमानी जान की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ, उन्होंने बचपन से उसको उल्टी सीधी पटियां पढ़ा के खराब कर दिया। अच्छा आप छोड़े ये सब, आप प्लीज नीचे जाके उन्हें संभाले, मैं सब कर दूंगी, सब काम मैं कर दूंगी, आप प्लीज जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। अच्छा भाई thank you.
से एक अच्छा रिश्ता हाथ लगा था। फोन करके पूछो ना कहाँ मर गई। तौबा अम्मा जी, कितना शोर मचाती हैं आप, खुद भी परेशान और दूसरों को भी बेसकून। अभी बहुत वक्त पड़ा मेहमानों के आने में, आ जाएगी किरण, क्यों शोर कर रही है। उजाला पता नहीं कहाँ मर गई, कब से चाय का बोला हुआ, सर में दर्द हो रहा है। चाय तैयार है मुमानी जान। तैयार है तो ले आओ ना भाई, वहीं क्यों रखी हुई है। और हाँ, वो शाम की चाय के साथ क्या क्या बनाना है। मेहमान आएंगे तो ऐसा करेंगे, पहले उनको ठंडा पिला देंगे और उसके बाद चाय, और चाय के साथ समोसे कैसे रहेंगे अम्मा जी। ठीक है। और ऐसा करना, साथ शामी कबाब फ्राई कर लेना, और सुनो ट्रे बना के किरण को देना, खुद मुंह उठा के मत आ जाना, किचन समेट के कमरे में बच्चों को लेके बैठ जाना। ऐसे नदीदे और बदतमीज बच्चे हैं तौबा अम्मा जी, हलीमा ने जरा उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, बहुत बदतमीज है। सारा दिन घर का काम करती है, परवरिश कहाँ से करेगी बेचारी। बस कर दे अम्मा जी, सारी जिंदगी घर के काम हमने भी किए हैं और बच्चों की तरबियत भी की है। बच्चे आपके सामने माशाल्लाह से कितने तमीजदार हैं दोनों बच्चे, देख नहीं रहे आप। हलीमा को घर के काम अनोखे तो नहीं करती, दो काम करती है, बस बहाने चाहिए हलीमा को, घिस नहीं जाती काम करते हुए। मुमानी जान प्लीज गुस्सा थूक दें और गरम गरम चाय पी लें। कैसे गुस्सा नहीं करूं, एक तो अम्मा जी ऐसी बात करती है ना, कसम से कलेजे में आग लग जाती। अरे ऐसा क्या क्या दिया मैंने, गुस्सा नाक पे ही धरा रहता है ऐसे। वाह 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 वाह, अरे मेरी बिटिया के हाथ में ना बिल्कुल अपनी मरहूमा माँ के हाथों की खुशबू है। वो भी ऐसी चाय बनाती थी, पहला घूंट लेते ही तबीयत खुश हो जाती थी। हाय हाय, दो ही तो बच्चे थे मेरे, मगर शायद दोनों को जाने की बहुत जल्दी थी। पहले तुम्हारी माँ हमें रोता छोड़ के चली गई, उसके बाद तुम्हारे मामू जवानी में ही नुसरत आरा को छोड़, रब ने बहुत आजमाइश से गुजारा है मुझे। बी जान प्लीज ऐसी बातें मत करें प्लीज। वैसे आपकी गाड़ी बहुत ही महंगी और शानदार लग रही है। ओके, मेरे जूते, जैकेट, शर्ट, मेरे बारे में क्या राय है आप? वैसे आपसे मिलने के बाद मुझे काफी खुशी हुई, फेसबुक की तस्वीरों से हकीकत में आप ज्यादा खूबसूरत। वरना आजकल की लड़कियां अपने पिक्चर्स पे इतने फिल्टर्स लगाती हैं कि उनके घर वाले भी उन्हें नहीं पहचान पाते। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा, मतलब कमाल है। ये बात मैंने संजीदगी में कही थी। दरअसल मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं बहुत ही शरीफ और इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती। वो तो आपने मिलने के लिए इतना इंसिस्ट किया कि मैं इनकार नहीं कर पाई। आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? किस सिलसिले? हमारी शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? आप शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हम मिले हैं, जान पहचान हुई है, एक दूसरे को समझने का मौका तो दें। कोर्स ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं? जा तुम बोलो ले चलो। एक काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट या मॉल चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं पीते हैं और वहाँ बैठकर बातें भी करेंगे, एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पास में ही मेरा अपार्टमेंट है, हम वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं, आप मुझे वापस ड्रॉप। अरे आप मेरी बात का गलत मतलब ले गई, मेरी ऐसी कोई बात नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, बस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम वहाँ बैठ के इजीली बात कर लेंगे। हाथ छोड़े, बड़े ही चिपकू हैं आप तो, 5 मिनट नहीं हुए मिले हुए और बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, चांस ले रहे हो तुम? हाँ ये सिखा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ओ भाई चल गाड़ी रोक, वरना शोर मचाऊंगी, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। बचाओ, बचाओ, ओके, ओके, रोक दी गाड़ी।
बड़े आए, पता नहीं समझते क्या है खुद को। तुम क्या समझती हो, तुमने अच्छा नहीं किया हम दोनों का टाइम वेस्ट करके। ओ हेलो, ये जो तुम्हारे साथ किया ना ये अच्छा ही था, अगर बुरा करती तो किसी को मुंह दिखाने का लायक ना रहते, लीचड़ कहीं के। रियली गेट लॉस्ट, निकलो मेरी गाड़ी से, बाहर निकलो। तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे, धक्का दिया मुझे, बेगैरत, बेशरम, बेहया, बदतमीज, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। ये अपनी गाड़ी फटीचर अपने पास रखो, ये चलो निकलो। चलो जल्दी जल्दी भाई, बहुत काम है अभी मुझे। चलो शाबाश, इधर आओ, चलो 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 चलो, बैठो इधर, चलो बैठो इधर, बैठ जाओ, इधर से हिलना नहीं है तुम लोगों ने, सुन लिया? और क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे भाई गुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं, जब भी घर में कोई मेहमान आता है ना सबसे पहले इन बच्चों पे पाबंदी लग जाती है बाहर निकलने पे, और सुनने को ये मिलता है कि मैंने इनकी तरबियत अच्छी नहीं की। अब भला बच्चे इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो और किस उम्र में करेंगे? आप अच्छी तरह से जानती हैं इनका कोई कसूर नहीं है, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं कर रही उजाला। अच्छा सुनो, तुम इन्हें ना नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना देना। क्यों, लेकिन जब इन्हें बाहर किसी के सामने लेकर ही नहीं जाना तो कपड़े बदलवाने का क्या फायदा? तुम नहीं समझोगी उजाला, ये जो रिश्ता करने वाली औरतें आती हैं ना, ये कभी कभी अचानक कमरा, किचन, वॉशरूम देखने के बहाने घर वालों का सलीका देखना चाहती हैं, और अगर ऐसे में ये नजर आ जाते हैं तो कम से कम इन्हें साफ सुथरा तो होना चाहिए ना। अच्छा आप रिलैक्स हो जाए, मैं बदल दूंगी कपड़े, और कोई हुक्म? कोई हुक्म नहीं है, और हाँ पौधों को पानी भी देते है ना, वरना फिर सुनने को बहुत मिलेंगी। अच्छा पहले मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, फिर इनको कपड़े बदलवा दूंगी। ठीक है चलो मैं भी आती हूँ। सुनना तुम लोगों ने, खाला जब तक नहीं आती तुम लोगों ने बाहर नहीं निकलना, समझ गए? जब तक मेहमान ना जाए यहीं रहना है, चुपचाप, कोई शोर नहीं होना चाहिए, समझ गए? चलो मैं आती हूँ, निकलना नहीं है कमरे से बाहर। इसे क्या हुआ, न सलाम न दुआ? यूनिवर्सिटी में होगी, होगा किसी से झगड़ा। कितनी बार कहा है कि अपनी जबान पे काबू रखा करो, अरे वहां से लड़की आती है और यहाँ बैठ के कुड़ती रहती है। आदमी वो काम क्यों करे जिससे सरासर अपना ही नुकसान। मैं देखती हूँ। देखो तुमने इसको खराब किया। बस कर दे अम्मा जी, आपको तो बहाना चाहिए मुझे सुनाने के लिए बातें, चुप कर जाएं। देखो ना किस बदतमीजी से फेंक के गई है। किरण, किरण, ओ क्या हुआ है, सब ठीक है ना? 5 बजने वाले हैं, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उठो और तैयार हो। क्या मसला है, इस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देता, जाओ यहाँ से। किरण क्या हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? रोई हो तुम? क्या मसला है, सोने क्यों नहीं दे रही, एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? अपनी मनहूस शक्ल लो और यहाँ से गायब हो जाओ, और मुझे नहीं बताओ कि क्या होता है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बचपन से आज तक एक एक बात मैं तुम्हें बताती रही हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट तुम। तुम उस लड़की से मिलकर आई हो ना? हाँ आई हूँ मिलकर, और तुम तो मेरी जासूसी कर रही थी। किरण मैं तो बस, तुम तो बस क्या, इसीलिए मुझे पसंद नहीं था कि मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर करूं। तुम जैसी लड़की हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, मेरी एक एक चीज पे नजर रखती है, यहाँ तक कि कोई ऐसा फोन कॉल नहीं होता जो तुम कान लगा कर नहीं सुनती। बाकी बातें बाद में, अभी प्रैक्टिकल वाला बहाना ना मैं घर वालों से करके उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मानी जान को पता लग गया ना तो वो मार मार के ना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। ओ हेलो, ये धमकियां ना किसी और को जाकर देना, सही है, मुझे डराने की जरूरत नहीं है, और मैं ये जो लड़कों से मिलती हूँ ना उनके साथ मिलके कोई घूमने का शौक नहीं है मुझे, वो तो मैं इसीलिए मिलती हूँ कि मैं शादी कर लूँ उनसे। और तुम्हें तो पता ही है ना आजकल लव मैरिज का फैशन है, और तुम देखना
मैं भी बहुत जल्द लव मैरिज करूंगी। कब आएगा वो दिन? किरण तो आ रहा है ना, अच्छा रिश्ता। वो लड़के का अपना बिजनेस है, घर अपना है और आगे पीछे भी कोई नहीं है। ऐसा रिश्ता तो तुम चाहती थी जहां तुम राज करो। वैसे कारोबार क्या है लड़के का, करता क्या है? ज्यादा तफसील तो नहीं पता है, लेकिन शायद कोई वर्कशॉप है, गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं। इसका मतलब है कि अब मेरे लिए एक मोटर मैकेनिक का रिश्ता आएगा। क्या हो गया तुम्हें, अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं, और तुम्हें क्या जरूरत है इतनी तफसीलात इसे बताने की? मुमानी जान, मैं तो बस समझा रही थी। बस पहले खुद समझदार हो जाओ, फिर दूसरों को समझाना। जितना काम कहा जाए उतना किया कर, ज्यादा अपनी समझ और अकल का ना ही इस्तेमाल करो तो अच्छा है। बर्तन साफ कर लिया तुमने? सब करके रख दिया। अपनी बहन से कहो फ्रिज में वो खीर रख दे और चाय का पानी भी चढ़ा दे, मेहमान आते ही होंगे। और उसे कहो बख्तियार को फोन भी करे, टाइम पे आ जाएगा। जी अच्छा कहती। जल्दी जल्दी मोहतरमा उठ जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी आओ तैयार होके। क्या है इस घर में, बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता, पीछे ही पड़ जाते। अब्बा अम्मा कोई नहीं, बस हम दो बहनें और ये एक हमारा भाई है, माशाल्लाह बहुत नेक और सादतमंद। बड़ी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई, वरना वो भी आ जाती। कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, फिर आ जाएंगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहू है हलीमा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। रजिया से बड़ी तारीफ सुनी है आपकी बहू की, बता रही थी बहुत ही प्यारी, मिलनसार और सुघड़ है, पूरा घर संभाल कर रखा है इसने। बस मिल बांट कर काम कर लेते हैं घर के, न सारी जिम्मेदारी इस पर है न मुझ पर है। अच्छा आपकी बहू की एक छोटी बहन भी है ना, जो वालदैन की वफात के बाद आप ही लोगों के घर में रह रही है। जी अम्मी अबू के इंतकाल के बाद वो अकेली रह गई थी, इसलिए मेरे पास आ गई। अल्लाह की रजा। खैर आपकी बहन कहाँ है? वो कॉलेज गई हुई है, वरना जरूर मिलवाते आपसे। अच्छा आप लोग लीजिए ना, चाय लेकर आओ जी, और किरण को भी साथ ले आओ। लेना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाइए। समोसे बहुत मजेदार हैं, घर पर बनाए हैं? हाँ ना, मेरी बेटी किरण ने बनाया, बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो। यूनिवर्सिटी से आते ही किचन में घुस जाती है, मना करती रहती हूँ कि बेटा थक के आई हूँ, लेकिन बाजी नहीं आती। घरदारी का बहुत शौक है मेरी बच्ची को। माशाल्लाह से इसका मतलब है आपकी बेटी खासी सलीका मंद है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये है किरण, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। शेरी गुड़िया, शेरी चलो अंदर, चलो चलो चलो, उजाला लेके जाओ इन्हें फौरन अंदर, आप चाय लीजिए प्लीज। अच्छा तो ये है आपकी छोटी बहन उजाला। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो मैं बच्चों को संभाल रही थी इसलिए आ नहीं सकी सलाम के लिए पहले। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हो बेटा मेरे पास, आओ बैठो, मेहमान आए हैं। यहाँ मेरे पास। माशाल्लाह दोनों बहनें बहुत खूबसूरत हैं। जी वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। क्या करती हो तुम? कुछ नहीं, घर पर ही होती हूँ, आप ही का घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। और क्या एजुकेशन है तुम्हारी? मैंने बीए किया है, अभी एमए प्राइवेट ही कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रही हो? साइकोलॉजी। आपा, आपा वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद है। ठीक है बाकी जी।
क्या जरूरत थी उजाला को मेहमानों के सामने आने की? मना किया था ना किसे मेहमानों के सामने मत भेजना। नहीं, बच्चों के बहाने आ गई। ये तो और तरीके होते हैं भाभियों के। नंद का रिश्ता है और बहन की तरह मोड़ दो। हद है। नहीं नहीं अम्मी जी, खुदा की कसम मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। बस कर दे बीबी, तुम जैसी घुन्नी मिसली औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या जरूरत थी उजाला को उनके सामने आने की, जब मैं उनसे कह चुकी थी कि उजाला कॉलेज गई है। मुझे झूठा बना दिया सबके सामने। अम्मी जी माफी चाहती हूँ आपसे। बाखुदा उसे नहीं पता था कि आपने लोगों से क्या कहा है। और ये क्यों बताया उन्हें कि उजाला एमए कर रही है? वो जानते हैं ना किरण उजाला से 2 साल बड़ी है, तो क्या सोचते होंगे मेरी बेटी के बारे में कि वो अभी बीए कर रही है और उजाला इतनी लाइक फाइक एमए कर रही है। अम्मा बस भी कर दो, वो बेचारी खुद तो नहीं आई थी बाहर, बच्चों ने परेशान किया था जभी तो आई। चुप कर जा, लगाऊंगी एक। तेरी बीवी से बात कर रही हूं ना, ये जवाब देगी। तो मुझे ये बता, तू हर वक्त अपनी साली का हमायती क्यों बना रहता है? मैं दुश्मन थोड़ी हूं उजाला की। जब उसके लिए रिश्ता आएगा तो मैं अपनी किरण को मना कर दूंगी, कुन मेहमानों के सामने नहीं जाना। हमारे घर के तो यही तौर तरीके है ना अम्मा जी, जिसका रिश्ता आए वो ही सामने जाए, बाकी ना जाए। अरे खत्म करो इस बहस को, शुक्र अदा करो, अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। मुझे लगता है किरण उनको पसंद आ गई है, बहुत खुश गए थे वो लोग यहाँ से। बस कर दे अम्मा जी, अगर उन्होंने हाँ भी कर दी ना तो मेरी तरफ से साफ इनकार। पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा लड़का, इतने शरीफ लोग, चिराग लेके ढूंढोगी ना तब भी नहीं मिलेगा। बहुत ही नाशुक्री औरत। खाक अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं करना उनमें रिश्ता। हद है, आए किरण को देखने और कह रही उजाला को देखना है, उजाला को देखना है। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी है, खूबरू है, खूबसूरत है, उसके लिए हजारों रिश्ते मिल जाएंगे मुझे। आप अभी तक जाग रही हैं? तुम भी तो अभी तक नहीं सोई। मुझे तो देर तक जागने की आदत है। किरण भी मेरी इस आदत से तंग है, उसका कमरा जो शेयर करना पड़ता है। और वैसे भी तीन ही तो कमरे इस घर में। ऐसे मैं सोच रही थी कि हॉस्टल में कमरा लेकर वहां चली जाऊं। होश में तो हो तुम? खबरदार आज के बाद ऐसी बात नहीं करना। इसमें हर्ज ही क्या है? बहन का घर होते हुए तुम हॉस्टल में रहोगी? आपी, ये आपका घर नहीं है, ससुराल है। और वैसे भी मैं कब तक आप पर बोझ बनी बैठी रहूंगी? ये सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है बल्कि हमारे मामू का घर भी, और हमारी माँ का भी। इस घर पे हमारा भी उतना ही हक है जितना मामू और उनके बच्चों का है। वो हक तो उनके जाते ही खत्म हो गया, अब तो ये बस आपका ससुराल ही है। कैसी बातें कर रही हो चाला? तुम्हारा अपना घर भी होगा और एक प्यार करने वाला शौहर भी। हाँ पी, मैं
एक आम सी ख्यालों में रहने वाली लड़की नहीं है, और शादी के लिए सुगड़पन शक्लो सूरत काफी नहीं है, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मुझ जैसी लड़की जिसके ना आगे कोई है ना पीछे, कोई मुझे क्यों अपनाएगा? उजाला, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो तुम? आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है? जिस घर में भी जाओगी उसे जन्नत का बना दोगी। ऐसी बात दोबारा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, इन्होंने तो सवाल गंदम और जवाब चना वाली मिसाल कर दी। अरे देखने तो किरण को आए थे और पसंद उजाला को करके चले गए। लो भला बताओ, अब मैं उनको क्या जवाब दूं? साफ इनकार कर दो बुआ, हमें नहीं करना ऐसे लोगों में रिश्ता। निकद्रे लोग कहीं के, भले मेरी बेटी यतीम है लेकिन मुझ पर बोझ नहीं है जो ऐसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। अरे नुसरत, रिश्ता अच्छा है, अकेला लड़का है। अरे ना कोई आगे ना कोई पीछे। क्या खाक अच्छा था बुआ, शक्ल देखी थी उसकी, लंगूर कहेगा। अब भला मुझ जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की के लिए क्या ये मोटर मैकेनिक की बाकी रह गया? तो तौबा तौबा करो बुआ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अकेला लड़का है, इतना अच्छा कारोबार है, खाता पीता घर का लड़का है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही मेरी बात की? क्या खाक अच्छा है कारोबार बुआ, शकल से ही लोफर लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तो शकल देख के इनकार करने वाली थी, वो तो अच्छा हुआ उजाला बीच में आ गई, वरना उनको ऐसा मजा चखा के भेजती कि यहाँ दोबारा आने का सोचते भी ना। चुप कर, माँ बैठी है ना बात करने के लिए, तेरा कोई हक नहीं बीच में बोलने का। बुआ खबरदार, आइंदा ऐसे घटिया लोगों को मेरी दहलीज पर अगर लाई तो मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे घटिया लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता करने की। आए मेरी बेटी को देखने, पसंद बहू की बहन को करके, हद घटिया तरीन लोग। और बुआ मेरी एक बात सुन लो तुम, अब चूंकि तुम मेरे लिए लड़का ढूंढ ही रही हो तो मैं बता दूं, मुझे लड़का चाहिए गुड लुकिंग, हैंडसम और पैसे वाला, कंगाल पार्टी नहीं चाहिए, और अकेला हो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये सास और ये नंदों के झंझट में मुझे नहीं पड़ना बाबा, क्या फायदा ऐसी शादी का के बाद में मर मर के जिंदगी गुजारे इंसान। चुप कर जाओ, बहुत जबान चल रही है तेरी। चल बुआ के लिए चाय बना के ला। चल चाय का मैं उजाला को बोल देती हूँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ, दोस्त की शादी में जाना है मुझे। बुआ सुनो, उस दिन तुम एक डिफेंस वाले रिश्ते की बात कर रही थी, उसका क्या बना, उसका बताओ मुझे। हाँ, बिजनेस से कोई अच्छा सा सिलेक्ट करो और पहन लो, और हाँ खूब तैयार होकर जाना, हो सकता है वहां पर कोई अमीर कबीर खातून मिले जो तुम्हें अपने हैंडसम से लड़के के लिए पसंद कर लें। मतलब इस टॉपिक के अलावा तुम्हारे पास कोई बात नहीं है करने के लिए? जब देखो बस शादी के बारे में ही बात करनी है। किरण, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, मेरा नहीं। अच्छा छोड़ो, खैर दिखाओ क्या पहन कर जाऊं, ये पहन लूं? थोड़ा पुराना है। तुम कह रही थी तुम्हारी दोस्त काफी मॉडर्न है। वही तो बात है, मजाल है जो एक भी ढंग का जोड़ा अम्मा ने कभी खरीद के दिया हो मुझे, और किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी भी नहीं हुई। तो ऐसा करो, ये मेरा ईद वाला जोड़ा पहन लो। दिखाओ। ये इतना सस्ता जोड़ा, हालत देखिए इसकी। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी दोस्त की मेहंदी में ये पहन कर जाऊंगी? ये कचरा किसी सूरत नहीं, इंसल्ट करवानी है मैंने अपनी। कुछ भी नहीं है पहनने के लिए मेरे पास, ऑप्शंस भी तो नहीं है। अच्छा सुनो,
तुम जाकर बुआ के लिए एक कप चाय बना दो ना, उन्होंने मुझे कहा था मैं तैयार हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। बना के तुझे दिल में सजना सो रब दी, इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी, इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना सो रब दी, इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी, इतना है तुझे चाहना। बच्चे ऐसे नहीं करते। Ooh.
किरण, किरण वो मम्मा जाना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? क्या पर्सनालिटी थी, क्या अंदाज था, मैं तो बिल्कुल फ्लैट हो गई। हाय, किसकी बात कर रही हो? वही जो पूरी शादी में सिर्फ मुझे ही देख रहा था। वैसे तो उस शादी में एक से बढ़कर एक लड़की थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर जमी हुई थी। पता है उजाला, मुझे आज तक किसी ने इतनी अपनाइयत से नहीं देखा। उजाला, कुछ कहा उसने? क्या खाक कुछ कहा? कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह दिया। क्या बात है, बड़ी शायराना बातें कर रही हो। कहीं पहली नजर में मोहब्बत तो नहीं हो गई? खैर, वो तो पहले भी कई बार हो चुकी है, पर इस बार मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। और बताओ ना, क्या हुआ? क्या बताऊं उसके बारे में, सारे लड़कों में बिल्कुल मुख्तलिफ। क्या उसका अंदाज था? मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सदियों से उसकी तलाश थी, और आज अचानक से वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। किरण, क्या ये सब कुछ हुआ है या तुम किसी ख्वाब की बात कर रही? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? पता है, आज से पहले तुमने इतनी बहकी बहकी बातें कभी नहीं की। वैसे कल बारात है ना, खूब अच्छा सा तैयार होकर जाना, और हाँ, उसकी पिक्चर्स लेना मत भूलना। मैं भी तो देखो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कैसा है। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मोमानी जान भी पूछ रही थी। जल्दी आ जाना, सारी रात मत खड़े रहना। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।